friends, welcome to Pro Talent, and I'm Nitin Parmar. My dear students, in one of the video, I discussed about 8 important things you need to freeze before your CLAT examination. Yes or no? दोस्तों, उस वीडियो को काफी सराहना मिली और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर हमारे बहुत सारे क्वेरीज है, ठीक है. सो आई एम टेकिंग दोस क्वेरीज वन बाय वन इन डिफरेंट वीडियोस. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट व्हेन टू फिल द बबल्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको नोट करें, ठीक है. कब हम गोला भरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. दोस्तों, गोला भरना इज लाइक गेटिंग इन ऑक्सीजन. सही समय पर ऑक्सीजन मिला, सही क्वांटिटी में मिला, आदमी सर्वाइव करेगा. सही लेकिन से समय पे नहीं मिला और सही क्वांटिटी में नहीं मिला तो बर्बाद है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, ठीक है. देखो, सही समय की बात तो 2 मिनट में मैं करता हूँ, सही क्वांटिटी की भी बात कर लूँ, ठीक है. भाई, आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना तो चाहिए ना. तो भैया, एक गोला भरना है. सो लेट्स से दिस इज एन ओवल. आई कांट फील लाइक दिस, है ना. ऐसा नहीं भर सकता मैं, है ना. देखो, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ. आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, सर क्या बात कर रहे हो, पता है हमको, है ना, हम तो भर देते अच्छे से. ना जी, ठीक है, ना जी, ऐसा नहीं है. आप में से बहुत सारे लोग जल्दबाजी में, है ना, या कोई भी मन में ऐसी भावनाओं की वजह से अच्छे गोले नहीं भरते. यू टेक चांसेस विथ योर लाइफ, डोंट डू दैट, ठीक है. गेट अ क्लैरिटी दोस्त, ठीक है. फिल दिस गोला प्रॉपरली, बाहर नहीं जाना चाहिए. ये सुनो, ठीक है. अगर ऐसा आपका गोला भरने का है और ऐसे ऐसे बाहर चला गया, ठीक है, है ना, तो नहीं चलेगा. दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज द ओनली राइट वे. सही तरीका नंबर वन. नंबर टू, कब गोला भरे, बड़ा प्रॉब्लमेटिक. दोस्तों, 4 मेथड है, ठीक है. पहला मेथड है, क्वेश्चन देखा, आंसर निकला, गोला भरा. क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, गोला भरा. दैट्स अ गुड मेथड. सेकेंड, एक सेक्शन खत्म हुआ, गोला भरा, ठीक है. सेक्शन बाय सेक्शन जाके हम कर रहे हैं. तीसरा, सेक्शन को गोली मारो, समय पे जाओ, ठीक है. 2 घंटे की परीक्षा है, ठीक है. 1 घंटा के बाद गोले भरेंगे, फिर वापस आधे घंटे के बाद गोले भरेंगे, और बाद में, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओ वैसे वैसे करते जाए, तो वो भी एक अच्छा तरीका है. या एट द एंड ऑफ द पेपर, मस्त चीज है ना, मस्त चीज है एट द एंड ऑफ द पेपर, ठीक है. पूरा पेपर खत्म हो गया, शांति से गोले भर रहे हैं अपन. पूरा पेपर खत्म हो गया है, शांति से गोले भर रहे हैं, बेल बज गई है, ठीक है, और अपने पास इनविजिलेटर आके खड़े हैं और हमारा OMR छीन रहे हैं. हम बोले, नहीं सर रुको, बाकी है, ठीक है, रुको रुको रुको, गिड़गिड़ा रहे, सॉरी सर बाकी है, फलाना है, रो रहे, हीरोगिरी कर रहे, है ना, कि नहीं सर कैसे ले सकते हो, ठीक है, मेरा है. जो भी हो भाई, तोरा तू कितना भी हीरो हो या कितना भी प्यार से गिड़गिड़ा ले, ठीक है, कोई तुम्हें मदद नहीं करेगा. एग्जामिनर दैट इज इनविजिलेटर तुम्हारा गोला ले लेगा. ये तो कभी मत करिएगा, ये तो कोई तरीके से कदाई सही नहीं तरीका है, पूरा गलत तरीका है, ये नहीं करिएगा. ये कर दिए, ठीक है, और बाहर आकर आपने मुझसे बताया, सर यू नो मेरे को सब आता था, गोला भरना रह गया, मेरे 10 क्वेश्चन गोला भरना रह गए. भाई, है ना, तेरे जैसे आदमी को, मतलब जो भी बंदा है उसको तो श्राप मिलना चाहिए, है ना, कि यार क्या पता नहीं था क्या, इतना कॉमन सेंस था और ये कॉमन सेंस तूने अप्लाई क्यों नहीं करा. दोस्तों, प्रेशर में कभी कभार हम कर देते हैं, दिमाग में नहीं चलता है. तो दोस्तों, आज अगर आपको ये पता है तो आपके दिमाग में ये नोट हो गया, तो पंगा नहीं होगा. क्या करें उसका भी डिस्कशन कर ले. मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन के साथ साथ मतलब गोले भरना इज वेरी टीडियस, ठीक है, एंड इट पॉसिबली ब्रेक्स लॉट ऑफ रिदम, ठीक है, आपके रिदम तोड़ देते, क्योंकि आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के साथ 5 क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस विचार वाले हैं, ठीक है. इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्वेश्चन होते तो आई विल अग्री, ठीक है. अगर आपकी कोई ऐसी एग्जाम है जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप एक पढ़े गोला भरा, दूसरा विच इज एक्सेप्टेबल, यहां तो कंटिन्यूटी है, तो पूरा थॉट प्रोसेस आपका ब्रेक हो सकता है. मेरा मानना है गलत है, फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा करता है, ठीक है, क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन एट लार्ज, अगर आप में से कोई ऐसा करता है, कंटिन्यू इफ इट इज हेल्पिंग यू, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, है ना, डोंट थिंक अबाउट इट विल ब्रेक रिदम, इट विल बी टू टीडियस. आप करते हो, आपके साथ काम करता है, कंटिन्यू करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. पर इन जनरल मुझे पता है कि ये ऑब्वियसली टीडियस है और रिदम को ब्रेक करता है. ये मस्त तरीका है. आफ्टर अ सेक्शन इज ओवर, ठीक है, एक सेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद आपने गोले भरे, ठीक है, दूसरा सेक्शन खत्म हुआ, आपने गोले भरे, प्रोवाइडेड
आप उस सेक्शन के लिए जितना टाइम देना है आप उतना ही टाइम दे रहे हो, उससे ज्यादा नहीं दे रहे हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को देने का टाइम था आपका जैसे 25 मिनट्स या 20 मिनट्स, बट यू आर गिविंग 35 मिनट, यू आर गिविंग 40 मिनट, फिर भी गोले पढ़ने में आपको टाइम लगा रहे हो, गलत बात है भाई, है ना। मतलब सेक्शन के बाद लगा सकते हो, कोई पंगा नहीं है, पर सेक्शन को ज्यादा टाइम मत लो। दिस इज एन एक्सेप्टेबल अप्रोच, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर गुड अप्रोच इज, ठीक है, शांति से पेपर दे रहे हो आप, शांति से कैसे देना है, स्पीड में देना है ना, शांति छोड़ो, स्पीड देखो, स्पीड में पेपर दे रहे हो आप, ठीक है, और आप गोले मतलब टिक करे जा रहे हो, टिक करे जा रहे हो, ठीक है ना, और उसके बाद एक घंटा हो गया, यू टेक अ टाइम आउट एंड फिल द गोला, ठीक है, फिर वापस आधा घंटा लड़ाई लड़ी, फिर वापस गोले भरे। अब उसके बाद आखिरी का जो टाइम है, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे गोले भरते जाओ, आखिरी वाले 15 मिनट में ये बेस्ट अप्रोच है, लास्ट 15 मिनट, ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है। ये अप्रोच भूलना मत, ये अप्रोच छोड़ना मत, ये अप्रोच काम का है। कब? आखिरी के 15 मिनट में, ठीक है, या तो आप ये अप्रोच लीजिए या ये अप्रोच लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच पता होनी चाहिए, गोला कैसे भरना है वो पता होना चाहिए, और इसीलिए रोज, है ना, मेरा मानना है रोज गोले भरने की प्रैक्टिस करो, ओएमआर का प्रिंट निकाल लो, ठीक है, ओएमआर के 20-30 मतलब 20-30 क्या 100-200 प्रिंट निकाल लो, आज से लेकर 19 तारीख तक आपके 100-200 गोले भरने की, तो 100-200 ओएमआर के गोले भरने की प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए। ठीक है, बाहर जाना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, पेन से गोला भरना है, ध्यान रखना, पेन से गोला भरना है, नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर वन के जो चार गोले थे ए बी सी डी, है ना, उनमें से आपने गलती से ए भर दिया, बराबर है, आपको लग रहा है नहीं 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 रुको रुको आंसर सी है, अब आपने सी भर दिया, ठीक है, अब आपका ये गोला और ये गोला, है ना, इसको ये गिन लेगा, है ना, एग्जामिनेशन जो सॉफ्टवेयर है वो गिन लेगा इसको रॉन्ग आंसर, क्या गिनेगा, रॉन्ग आंसर, 0.25 कट गया बेटा तेरा, पक्का 0.25 तेरा कट गया, ठीक है, सो डोंट डू दिस, कि ये मत गिनना, ये गिन लेना, दैट्स व्हाट यू डू ना, अपने आप को प्यार मोहब्बत से अपना स्कोर अच्छा बढ़ाने के लिए यू डू दिस काइंड ऑफ मेथड्स, डोंट डू दैट, ठीक है। अगली बार कोई भी मॉक लिखोगे पेन से गोले भरोगे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, पेन से गोले भरने के बाद यू विल ऑलवेज फोकस ऑन, ठीक है, राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इट, ओके, इज दैट वेरी क्लियर। दो गोले नहीं भरोगे, कब गोला भरना है फ्रीज करो, टाइम फिक्स करो और आगे बढ़ो, ठीक है, इज दैट ओके, ग्रेट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।